हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष, मैं आज आपके लिए एक बढ़िया कंपनी लेके आया हूँ। जैसे कि मैं रोज आपको एक कंपनी मल्टीबैगर कंपनी सजेस्ट करता हूँ, आज भी एक आपके लिए मल्टीबैगर कंपनी लाया हूँ। और कुछ दिन पहले से मैं आपको बता रहा था कि मार्केट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में जा सकता है। आप लोग मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं थंबनेल में ये डिज़ाइन किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रेंज ब्रेकआउट देगा, मार्केट में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट आएगा। आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। बैंक निफ्टी हम लोगों को ठीक ठाक प्रॉफिट मिला है। अब मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाया था, आप लोग जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको कल के दिन ही बताया था कि बैंक निफ्टी मेरा होल्ड किया हुआ है, बाई किया हुआ है। कल का जो एनालिसिस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंशन किया हूँ, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस का वीडियो। ये देखिए, आपके सामने मैं निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ। निफ्टी में 17,629.50 निफ्टी रोज डेली नया हाई बना रहा है, और ये हाई बना जो रहा है इसमें देखिए एक छोटा ये जो रन अप आया था उसके बाद ये करेक्शन आया, एक छोटा रेंज में ट्रेड किया, फिर रेंज ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ अभी मूवमेंट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये और ऊपर की तरफ जाएगा और आप लोगों को एक अच्छा करेक्शन भी मिलेगा आने वाले दिनों में। 17,200-300 का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी में, तो आप लोगों को वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और वहाँ से आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ मिल सकता है। मैं इसको एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपके लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का भी देखेंगे। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक कंप्लीट रेंज में ट्रेड कर रहा था 14 सितंबर को, उसके बाद कल के दिन एक ब्रेकआउट दिया, देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, और आज सुबह भी एक बार नीचे आया था यहाँ से, फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ एक चाल आया है निफ्टी में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एरिया में एक्चुअली बाई करना था, जो कि कल का क्लोजिंग भी था, उसी क्लोजिंग के एरिया में यदि आप लोग बाई किए होते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होता। ये देखिए ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ से फिर से ये एक बाइंग शुरू हुआ। तो ये जो बाइंग शुरू हुआ यहाँ पे जो बायर खड़े थे, जो ये इसे वो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ लेके आ रहे थे, वो लोग आज फिर से री एंट्री किए अपने, उनको अच्छा एक लेवल मिल गया, दूसरे दिन भी ये प्राइस में मिला है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी के चलते देखिए आपको अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिला है। और जो लोग सेल करके बैठे हुए हैं, मतलब पुट वगैरह ली के बैठे हुए हैं, वो लोगों को आज एक अच्छा खासा नुकसान दिया होगा मार्केट। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपना लॉजिक मत फीड कीजिए, मार्केट को प्रूव करने दीजिए, मार्केट को बोलने दीजिए वो किधर जाने को ट्राई कर रहा है या फिर कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये देखिए यह है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, देखिए 5 मिनट में एक ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, आज भी एक बार नीचे आया, नीचे आ के यहाँ से एक यू टर्न चाल दिया है निफ्टी ने। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रन अप ऊपर की तरफ मिला है निफ्टी से। आज बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक अच्छा रन अप मिला है। उसके पहले मैं आपको बताया था कि निफ्टी में हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल ही मिलेगा। मैं इसको एक बार मंथली कर देता हूँ। ये देखिए मंथली में मैं आपको बताया था कि आपको रेड कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल देख के पैनिक मत होइए, आपको ये महीना भी आपको ग्रीन कैंडल ही दिखेगा। देखिए एग्जैक्टली वैसा होता हुआ भी दिख रहा है। ये जो दो कैंडल बना था, ये दो कैंडल के एरिया में ही मैं आपको बताया था कि हम लोगों को एक और बहुत ही बढ़िया रन अप निफ्टी में मिल सकता है, आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ कंटिन्यू ये भागे जा रहा है, यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल हम लोगों को 1-2 हफ्ते में दिख सकता है, अगले हफ्ते में मैं इनफैक्ट दिख सकता है, क्योंकि आज ऑलरेडी थर्सडे है, कल फ्राइडे, और ये हफ्ते का ट्रेडिंग खत्म हो गया है।
और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते आप लोगों को 18,000 का लेवल मिल सकता है। एक बार नीचे यदि आके ऊपर की तरफ चलता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे नहीं आएगा, शायद ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो आप लोगों को बाई साइड में ही प्लान करना है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाइए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में ही आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए आज 5 मिनट में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए एक बार ऊपर गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, जो लोग बाई किए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक किए। देखिए नीचे आया, ये एक डिप मिला हम लोगों को, ये डिप में आप बाई किए होंगे तो आपको पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। ये फिर से डिप आया, फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर एक कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ऐसा करते करते निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से चला गया, मतलब ऑल टाइम हाई हाई ब्रेक करके आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। ये देखिए ये एक परफेक्ट सेटअप है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ें ध्यान में रखना है जिससे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो अभी एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं कल के दिन, देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई जो था उसका 37,700, मैं आपको बताया था कि बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। आप मेरे थंबनेल में भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में मेरा व्यू पूरा क्लियर था, ऊपर की तरफ ही जाएगा। एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ है। ये देखिए ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, देखिए कंटिन्यू उसके बाद ऊपर की तरफ एक चाल पूरा मूवमेंट दिया है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब हर डिप में बाई करना था। देखिए एग्जैक्टली एक अपवर्ड चैनल में पूरा ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी, और यही होता है एक्चुअली एक ट्रेंडिंग डे में, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाता है। यदि आप लोग ठीक ठाक पोजीशन लिए होंगे, ठीक से एनालिसिस करके ट्रेड लिए होंगे, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सही सही चुने होंगे, तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। मैं इसका एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। इसके पहले एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। आपको 5 मिनट में बहुत सारे रेड कैंडल, बहुत सारे डिप मिले होंगे, पर 15 मिनट में उतना डिप नहीं मिला है। 15 मिनट में ये 3 कैंडल थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ भागा है। तो एक्चुअली ये नॉर्मल उसका बिहेवियर है। तो जब भी करेक्शन होता है या फिर कुछ देर रुकता है तो एक बड़ा चाल देने के लिए ही तैयार होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न सेम फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए आधा घंटा तक यहाँ पे रुका रहा, 1 घंटा तक, फिर चाल आया 1 घंटा। यहाँ पे मैं आपको एक बार डेली दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली में मैं आपको बताया था ये वाले कैंडल के आसपास, यहाँ पे भी बताया था कि ये जो कैंडल पैटर्न, ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, रेंज ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ भाग रहा है, और यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप लोगों को पोजिशनल भी जो जिनको बाई करना है वो लोग बाई कर सकते हैं, और एक बार करेक्शन नीचे आता है तो आप लोगों को बाई साइड में ही बैठना है। एक बार आपको ऐसा दिखाएगा कि ये पूरा नीचे आ जाएगा, और वहाँ पे फिर से आपको बाय प्लान करना है, क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है आप ऊपर के साइड में ही ट्रेड प्लान कीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। सो जैसे कि मैं आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक मैं आपको मल्टीबैगर कंपनी दूंगा, तो मल्टीबैगर कंपनी का नाम है आज के लिए फिलिप कार्बन। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली साउंड है, और देखिए अपने एक कंसोलिडेट एरिया में था, कंसोलिडेशन कंप्लीट करके आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ अभी जाने को ट्राई कर रहा है। तो उसी मोमेंटम को ही हम लोगों को प्ले करना है। और ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बन रहा है, ये बॉटम आया फिर ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जो कि स्माइली पैटर्न भी आप लोग बोल सकते हैं। स्माइली पैटर्न इजी रहेगा समझने के लिए। तो
तो स्माइली पैटर्न फिर से बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट फिर से आ सकता है 281 का। 254 का भाव चल रहा है, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रनअप मिल सकता है। तो 20% का अपसाइड मुझे दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो दैट्स ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।